आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज कांग्रेस पार्टी को नगर निगम चुनावों में पूर्ण बहुमत मिली है। मैं इसके लिए शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे पार्टी के नेतृत्व पे अपना भरोसा जताया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुखू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी साथियों ने जो इन चुनावों में जाकर लोगों के बीच में जाकर जन समर्थन प्राप्त किया और हमारी करीबन इसमें 24 सीट्स कांग्रेस पार्टी की आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा सेइंग है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी दायित्व को का निर्वहन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और मैं आज भाजपा को, जो मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में भी और अब नगर निगम में भी, उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मिलकर, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब हम सबको मिलकर शिमला शहर को सही रूप से, जो शिमला शहर पूरे विश्व में एक समय में जाना जाता था जब अंग्रेज़ों की राजधानी थी, उसकी जो ग्लोरियस पास्ट है वहाँ पर उसको वापस ले जाने की आवश्यकता है। और इसमें हमें केंद्र से भी बहुत सा सहयोग चाहिए होगा भविष्य में, निश्चित तौर से। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी से कि वो अपना एक सकारात्मक भूमिका निभाएं और जब भी हमें केंद्र से, खास करके जो स्मार्ट सिटी फंड्स हैं या अमृत के अंतर्गत जो फंड्स आते हैं, उसके लिए पूरा सहयोग शिमला शहर के लिए दिलवाएं। और यही बात मैं पूरे प्रदेश के संदर्भ में भी करना चाहूँगा कि प्रदेश में भी जो हमें विकास के कार्य करने हैं उसमें केंद्र के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए उनका सहयोग हमें पूरे तरीके से समय समय पर मिलता रहे। हमें एक सकारात्मक राजनीति करनी है, प्रदेश में मिलकर विकास के कार्य करने हैं। आज चुनाव खत्म हो गए हैं और हम सब का दायित्व बनता है कि हम मिलकर आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश को और शिमला शहर को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। तो मैं फिर से एक बारी सभी मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शिमला शहर की, और ख़ास रूप से जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, शिमला रूरल, जिसके अंतर्गत चार एमसी वार्ड्स आते हैं, वहाँ से चारों के चारों वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी जीती है और हमारा 100% का जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। इसके लिए भी मैं खास करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करता हूँ और इन टोटैलिटी बाकी शिमला शहर के सभी साथियों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अपना भरोसा जो है वो जताया। इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या मानते हैं आप, आपकी सरकार की योजनाएं या फिर क्या क्या मानते हैं आप जीत के पीछे, जो पांच जीत के पीछे सकारात्मक राजनीति है। लोग भी देख रहे हैं कि चार महीने पहले सरकार बनी और सरकार बनते ही भाजपा ने अस्थिरता का माहौल जो है वो प्रदेश के अंदर पैदा करना शुरू कर दिया। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है। जयराम जी वैसे तो कहते हैं कि मैं ठेठ पहाड़ी हूँ, ठेठ हिमाचली हूँ, मगर इस तरीके की बाहर की राजनीति हिमाचल के अंदर शुरू करना, कभी ऑपरेशन लोटस की बात करना, कभी सरकार नहीं टिकेगी इसकी बात करना, कभी ये कहना कि ये सरकार तो कुछ ही दिन की मेहमान है, अरे आप होते कौन हैं इस तरीके की बयानबाजी करने वाले। प्रदेश की जनता सर्वश्रेष्ठ है। जब प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 40 विधायकों के साथ बनी है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसको उसका मान सम्मान करना चाहिए। डे वन से जो नकारात्मक भूमिका विपक्ष ने निभानी शुरू कर दी, ये उसका परिणाम है कि आज ये हाल जो है शिमला शहर में भाजपा के हुए हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा भाजपा के सभी नेताओं से, चाहे उनके नेता प्रतिपक्ष है चाहे उनके जो भी नए भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैं तो उम्र में भी उनसे छोटा हूँ, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छी पॉलिटिक्स करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। और जिस तरीके की अस्थिरता का माहौल वो प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
उसमें मुंहतोड़ जवाब प्रदेश की जनता ने दूसरी बार 4 महीने के अंतरकाल में दूसरी बार दे दिया है। अब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इस तरीके की पॉलिटिक्स ना करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। कैसे हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर लेकर आए, 75,000 करोड़ का ऋण आज भी प्रदेश के ऊपर खड़ा है, कैसे हम इससे प्रदेश के लोगों को बाहर निकालें, आर्थिक संकट से बाहर निकालें और जो वादे हमने पूरे किए उनको पूरा करें। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस पर हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। कांग्रेस इसको हैट्रिक जो है मान रही थी, अब हैट्रिक जो है कांग्रेस की लग गई है। क्या आगामी समय के अंदर जो जीत का चौका यानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसका बूस्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम जीते हैं, आगे के लिए भी पूरी मेहनत करेंगे, मगर अब हमें काम करना है। मैं जैसे मैंने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसके लिए हमको और सहनशीलता से और मजबूती से और डेडिकेशन के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी प्रदेश के मंत्रीगण अच्छा कार्य कर रहे हैं, विधायक अपने अपने इलाके में कार्य कर रहे हैं, उसको और मजबूती से आने वाले समय में करने की आवश्यकता है, ताकि जो दुगना कॉन्फिडेंस प्रदेश की जनता ने और शिमला शहर की जनता ने आज हम पे रिपोज किया है, हम उसको सूद समेत विद इंटरेस्ट उस कॉन्फिडेंस को वापस विकास के रूप में वापस जो है वो प्रदेश के और शहर में लुटा सके। बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद जो है आपने प्रलोभन की जो है वो हैट्रिक बनाई हुई थी, 50,000 लीटर पानी हर व्यक्ति को देने की, आपने मुफ्त पानी देने की घोषणा खुद नेता प्रतिपक्ष ने जाकर लोगों के बीच में करी। ये अलग बात है कि ये चीज़ें कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी और आज वो हमको जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि आपने प्रलोभन दिया। हमने तो कोई बड़ा प्रलोभन नहीं दिया, हमने तो केवल ये कहा कि हम डक्टिंग करवाएंगे, हमने ये कहा कि हम नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, हमने ये कहा कि हम स्वास्थ्य के लिए और जिमनेजियम युवाओं के लिए खोलेंगे, हमने कुछ भी मुफ्त देने की बात नहीं करी, मगर भाजपा ने वो राजनीति लाई, मगर जनता ने उसको सिरे से नकार दिया और आज जयराम जी को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो हमारे ऊपर टिका टिप्पणी करे या हमारे कार्यप्रणाली पे बात करे। उनको अपनी कार्यप्रणाली देखनी चाहिए भाजपा को और अपने कार्यों पे ध्यान देना चाहिए।